हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा बात करूंगी आज के मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में और साथ ही मैं कल के लिए स्टॉक आइडियाज भी बताऊंगी। डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट आज स्ट्रॉन्ग नोट पर एंड हुए। यूएस मार्केट्स भी ओवरनाइट स्ट्रॉन्ग क्लोज होते हुए नजर आया है। एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स में भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिली है। चलिए देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के क्विक अपडेट्स। बीएसई सेंसेक्स 52,837.21 पर एंड हुआ, यानी 638.70 पॉइंट्स ऊपर था, और एनएसई निफ्टी 15,824.05 पर एंड हुआ, यानी 191.95 पॉइंट्स ऊपर था। चलिए बात करते हैं स्टॉक आइडियाज कैश डिलीवरी के लिए। आप लक्स इंडस्ट्रीज बाय कर सकते हो 3,906 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 3,845 पर, टारगेट रख सकते हो 3,970 पर। कॉल्स जो आपको रिकमेंड किए थे विशाल, उसने टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है एट 103.05 रुपीस पर। आई होप आप सभी ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं टॉप हाइलाइट्स आज के मार्केट परफॉर्मेंस को लेकर। तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर रहा। सारे सेक्टरल इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए, जिसमें एफएमसीजी एक्सेप्शन था क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट रुपी भी हायर साइड पर एंड हुआ, यानी 15 पैसे ऊपर था एट 74.46 पर डॉलर। आज फाइनेंशियल और मेटल स्टॉक्स में अच्छी बढ़त देखने मिली। टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इन्फोसिस जैसे शेयर्स में 2-5% की बढ़त देखने मिली, और भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील और L&T सिग्निफिकेंट गेनर्स में से एक थे। वही दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और M&M 1% से फिसले। कॉर्पोरेट न्यूज में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 2061 करोड़ Q1 के लिए, जहां पर आपको 9.5% की ग्रोथ देखने मिलेगी, और उसकी वजह से स्टॉक में आपको थोड़ी गिरावट देखने मिली 2.3% से। क्लोजिंग आउटलुक में आज फिलहाल इतना ही। स्टॉक रिलेटेड कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करें। कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी मॉर्निंग अपडेट, साथ ही मैं कुछ स्टॉक आइडियाज भी बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ यानी श्रद्धा के साथ। मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। उसके पहले 5 पैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।